आखिर कौन सामने आया है और शिव ठाकरे के पूरे गेम को एक्सपोज कर दिया है। भाई शिव को कई सारे लोगों ने मराठी बिग बॉस में भी देखा है और इस बिग बॉस में भी देख रहे हैं, और इन दोनों बिग बॉसेस में अब तक कई सारे ऐसे लोग हैं जो शिव की स्ट्रैटेजीज को अनवील कर चुके हैं। शिव का गेम प्लान कैसा होता है, शिव कैसे गेम खेलते हैं, ये बात अब तक बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कोई सामने आया है और सामने आकर शिव को एक्सपोज कर दिया है, ये बता दिया है कि ये शिव का हमेशा का है। जी हाँ, वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि शिव ठाकरे को बहुत ज्यादा अब तक बिग बॉस के घर में लाइमलाइट मिल चुकी है, हालांकि वो ऑलरेडी खुद भी एक विनर रह चुके हैं, लेकिन हर जगह हर सिचुएशन हर गेम अलग होता है। ऐसे में इस वक्त शिव जो है वो घर के अंदर बहुत ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं, एक तरफ प्रियंका एक तरफ शिव और एक तरफ निमरित एक तरफ प्रियंका। सो प्रियंका भले ही कॉमन है लेकिन शिव अब यहां से उभरते नजर आ रहे हैं। आप अगर गौर से नोटिस करें तो इस तरफ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो शिव के साथ साजिद हो, स्टैन हो, अब्दू हो, निमरित हो, शालीन हो, टीना हो, ये सब लोग एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के झुंड का हिस्सा है। शिव इज द अल्टीमेट लीडर, बाकी सब उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द रह रहे हैं। ये चीज किसने इस वक्त कही है, जनता सोशल मीडिया पर यही बातें कॉन्स्टेंटली कह रही है। जी हाँ, जनता का ये कहना है कि शिव ठाकरे जो है वो लगातार बस एक ही काम करते हैं और वो करते हैं बुली, झुंड में आकर लोगों को बुली करते हैं। जी हाँ, फैंस कहते हैं शिव्स गेम इज जस्ट टू बुली अदर पीपल एंड बुलिंग इन ग्रुप डिकोडेड नथिंग एल्स। जिसके बाद दूसरे फैन लिखते हैं यस शिव इज हेल इरिटेटिंग, बंदे के पास अच्छा दिमाग है, एक्सपीरियंस है, बट प्रियंका की सक्सेस देखकर बंदा बौखला गया है। आज के एपिसोड में एक सही मुद्दे पर स्टैंड नहीं लिया बंदे ने, खाली चिक 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 करते गया पूरा टाइम और ऊपर से गलत को सपोर्ट करता गया। इसी के साथ साथ आगे लोग लिखते हैं कि ऐसा नल्ला बिग बॉस हिस्ट्री में कोई भी नहीं होगा, पता नहीं क्या कुछ बिग बॉस करवा रहे हैं इस सीजन में। उसी के साथ साथ आगे कहते हैं फैंस कि मान लिया कि आपने आपने दिमाग की बात की, किसी के फैन होने का मतलब ये नहीं सर कि हम उनको अंधाधुंध सपोर्ट करें, इसलिए हमें भी शिव का गेम जो है वो पसंद नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं शिव के भी जो फैंस हैं वो भी यही इसी टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि यार हमें ये गेम पसंद नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं बहुत वियर्ड लग रहा है खेल देखने में कि शिव साजिद को सपोर्ट कर रहे हैं, साजिद इतनी गालियां देते हैं गोरी को शिव के सामने, शिव ने कभी आवाज उठाई नहीं, वो सही है उनके लिए। स्टैन इतना कुछ कह के चले गए वो भी सही है, स्टैन डबल माइंडेड गेम खेल रहे हैं, आप खुद इस बात को नोटिस कर रहे हैं, आप खुद इस बात को देख रहे हैं कि स्टैन जो है वो कितना ज्यादा डबल माइंडेड गेम्स खेल रहे हैं, कितना ज्यादा गोरी के सामने कुछ और है वो, लेकिन शिव और साजिद के सामने कुछ और है। तो आई थिंक स्टैन इज द फर्स्ट पर्सन जिसे सबसे पहले बाहर जाना चाहिए, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली अब्दुल ने सेव कर लिया और वो नॉमिनेशन में नहीं आए। आपको इस पर क्या है कहना बताइएगा जरूर।